एक जो कोलकाता के खिलाड़ी हैं प्रज्ञान, जो अभी तक कैचअप कर नहीं पा रहे फॉर्म के साथ, अगर हम बात करें तो वो है उनके पूर्व कप्तान दिनेश कार्तिक। काफी बुरे फॉर्म से चल रहे हैं ये पिछले 5 मुकाबलों में। अगर आप देखें, दिल्ली के खिलाफ 3 रन बनाए, बैंगलोर के खिलाफ 4 रन बनाए और 14 गेंदें इस्तेमाल करी। हैदराबाद के खिलाफ नाबाद रहे, 29 पर ऑफ 14, सो बेटर स्ट्राइक रेट। मुंबई के खिलाफ अगेन लेस देन रन अ बॉल, बैंगलोर के खिलाफ भी लेस देन रन अ बॉल। प्रज्ञान, तो एक ट्रेंड है कि आप अपने आप को पहले सेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो इसलिए आप डॉट्स खेल रहे हो, लेकिन सेट होने के बाद आप दूसरा गियर ढूंढ नहीं पा रहे हो। देखिए, दो प्लेयर हैं इंडियन टीम में ऐसे, एक है दिनेश कार्तिक और है अजिंक्य रहाणे। ये खेलते हैं ऐसा लगता है क्या फॉर्म में खेल रहे हैं, फिर तुरंत ऐसा लगता है कि अरे ये कैसे खेल रहे हैं, ये क्या चल रहा है इनका, तो कुछ समझ में नहीं आता इन लोगों का। ये मुझे लगता है मोर देन क्रिकेट एंजॉय करने की जगह ओवर थिंक करते हैं। आप कभी भी इनकी पारी देख लीजिए, अजिंक्य रहाणे एक ब्रिलियंट 100 मारेंगे, दिनेश कार्तिक एक ब्रिलियंट 50 मारेंगे, फिर दो मैच ऐसा लगेगा कि भाई ये क्या पहली बार बल्ला पकड़ रहे हैं। तो ये चीज जो है मेंटल होता है, आप खेल को खेल की तरह खेलें, ज्यादा ओवर थिंक ना करें। मुझे लगता है वो ओवर थिंक कर रहे हैं, और उनका जो स्टेटमेंट था मैं कप्तानी इसीलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं बैटिंग में फोकस करूँ, तो ये दर्शाता है कि वो कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। आप ज्यादा ना सोचें, थोड़े प्लेयरों के लिए कैसा रहता है कि वो अगर सोचेंगे उनके लिए अच्छा होता है, थोड़े प्लेयर ऐसे रहते हैं कि आप अगर ज्यादा सोचते हो तो फिर ज्यादा कॉम्प्लिकेट करते हो। ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करें, आप बहुत साल से मतलब शुरुआत से आप खेल रहे हैं आईपीएल, ऐसा नहीं कि अभी आप शुरू किए हैं, आप अपना क्रिकेट आराम से खेलें और एंजॉय करें प्रोसेस को, बाकी सब ठीक हो जाएगा। और सर, एक अगर ये चलना शुरू कर देंगे तो कोलकाता की जो कैरेक्टरिस्टिक है बल्लेबाजी की, ही विल ऐड अ न्यू कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि ये वो बल्लेबाज है जो वंस टूज थ्रीज में बहुत यू नो बड़े सोचते हैं, गैप्स ढूंढते हैं, तो ये गेंदबाज को घुमाते हैं, तो नॉट जस्ट द सिंपल कि मारो लप्पे लगाओ जी गेम खत्म करो। जी, ये अलग, सही कहा आपने कि ये ना इनके एंगल्स ही अलग हैं, ये जब खेलते हैं इनकी सोच भी, जैसे प्रज्ञान ने वक्त भी बिताया होगा, तो इनकी गेम ही अलग है। इनको देखे ना तो ये जैसे कट मारते हैं तो लोग मारते हैं कट आगे, ये पीछे मारते हैं। मैं तो सरप्राइज हूं अभी तक मैचअप में ना, ये जब बल्लेबाजी करने आते हैं तो इनके लिए कवर्स आगे क्यों रखते हैं और मिड ऑफ पीछे क्यों रखते हैं, ये तो जो भी लॉफ्टेड शॉट मारते हैं वो कवर्स के ऊपर से मारते हैं। तो इसीलिए जिस दिन ये खेलते हैं ना तो ऐसा लगता है यार ये बिल्कुल कमाल की पारी खेल रहे हैं और कैसे गैप्स ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये नहीं है कि वो वर्सिटाइल जो बोलते हैं, तो इनकी शॉट्स की जगहें सेम है इनके, लेकिन एंगल बिल्कुल अलग है। तो जिस दिन इनके काम का गेम चलता है ना, फिर इनसे अच्छे नहीं लगते कोई। और अभी तो यू नो पिछले साल डेढ़ साल में तो इन्होंने प्रदर्शन पीछे भी जाके करना शुरू कर दिया है। यू नो इनिशियली तो ये माने जाते थे कि ओपनिंग बैट्समैन या टॉप ऑफ द ऑर्डर जब पेस है तभी अच्छा खेलते हैं, अब इन्होंने फिनिश करना भी दिखाया है गेम्स को, हिंदुस्तान को भी एक मैच जिताया है। लेकिन वही है बात कि या अप है या डाउन है, ये बीच वाला काम नहीं होता, ये स्ट्रगल करते हुए नहीं नजर आते, ये आपको दिखेंगे नहीं कि 30 बॉल हो गए हैं। जैसे कल ईशान किशन खेल रहे थे, यू नो 35 गेंदे खेल के गए और 35 गेंद खेलने में ऐसा लगा कि अभी तक मिडल नहीं हुई। इनका ये नहीं होगा, ये 10-12 बॉलों में या तो मिडल हो जाएंगे या मिडल बॉल हो जाएगी, दोनों के बीच में ये नहीं होता कि ये वो संघर्ष वाला काम होता ना कि ऐसा नहीं लग रही यार तो भी लगा रहता हूं, वो काम नहीं करते। इनका बैट चलता ही चलता है और उसका जो एंगल है वो एक यूनिक एंगल।